कालू कालू कालू। चलो दोस्तों, कल इसे मैंने कमरे में लाया था और कल ही आपको दिखाया था कि इसको हाथ पे लगाऊंगा। आज आप देख सकते हो कि ये किस हिसाब से मेरे ऊपर आ रहा है। ये मैं दूर छोड़ूंगा, आप देखें। तो सबसे पहली बात आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ये दाने जो मेरे अभी चने के, ये थोड़ा उगने से लगे हैं तो अंकुरित हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपने इसको यूं करके दाना नीचे ज़मीन पर डाल दिया और इसको आपने दाना खिलाना सिखाया तो ये आपके हाथ पे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इसे ज़मीन से दाना उठाने की आदत रहेगी। अभी दोस्तों ये भूखा प्यासा है, इसको पानी तो मैंने पिलाया, बाकी दाना दिन में नहीं खिलाया, सुबह खिलाया था और अभी खिलाऊंगा। तो इसको मैं छोड़ूंगा और इसको बुलाऊंगा, कालू कालू। ये देखो, अभी उसको दाना खाना है। और इसके सामने कभी दाने की प्लेट मत रखो कि मैं कहाँ से दाना ला रहा हूँ। जब मैं दाना इसको खिलाऊंगा तो इसको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में ही दाना है। जैसे कि इसके माँ की चोंच में इसके लिए दाना होता है, उसी प्रकार से इसको पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे के सिर्फ हाथ में दाना है, और तभी मेरे पास आएगा, मेरे बुलाने पर आएगा और मैं उसको कालू करके बुलाऊंगा तो आएगा। ये आपने देखा, अब मैं इसको छोड़ूंगा। अभी दूसरा दिन है इसका, कालू चलो चलो चलो। तो वो अपने पास कब तक आएगा, जब तक कि उसको दाना अपने हाथ में महसूस नहीं होगा कि हाँ इनके हाथ में दाना है, अपने को इनके पास जाने से दाना मिलता है। अगर उसे ज़मीन पर दाना मिल गया तो फिर वो कभी भी अपने हाथ पे नहीं आएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि कितने दिनों में ये अपने हाथ पे लगता है। चलो कालू चलो कालू चलो लो चलो कालू। तो दोस्तों इसको अभी हम दाना खिला देते हैं, क्योंकि ये सुबह से भूखा भी है। और इसको ज़्यादा नहीं, 20 से 25 ही चने खिलाएं। और उसके बाद अभी मैं छोटे इंजेक्शन से आपको पानी पिला के दिखा देता हूँ। ये 3 ml का इंजेक्शन है भाई, और इसके अंदर ये जो नली लगी हुई है, ये वाली जो नली है कालू, ये वाली नली आपको जो अपने बीमार पड़ते हैं अपन, और ये वो बॉटल लगती है अपने हाथ वाथ में, उसकी नली है। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि जब हम कबूतर को या कबूतर के बच्चे को मुंह में डालते हैं, उसके चोंच के अंदर डालते हैं, तो कोई तकलीफ हो या कोई चोट लगने का खतरा नहीं रहता। तो ये वाली आपको बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे और उसे बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये चाहिए, तो वो आपको दे देगा, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये चीज़ आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और कबूतर को हाथ पे लगाए तो आप उसको जब भी दाना दें, दाने की प्लेट जहाँ भी, जैसे मैंने ये छुपा के रखी है, उसके सामने कभी नहीं दें, क्योंकि वो भूखा रहेगा। और अगर उसने प्लेट देख ली तो उसके बाद में वो प्लेट से ही दाना लेना सीखेगा। अपने हाथ में उसको आदत डालें, और कबूतर जब तक अपने हाथ पे नहीं लग जाए उसे कभी भी नीचे दाना डालने की आदत नहीं दें। और इंजेक्शन से कुछ दिनों के लिए पानी पिलाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वीडियो थोड़ी लंबी बनाते जाऊंगा, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते, अभी दूसरा ही दिन है। तो भाइयों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो भी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। तो दोस्तों